जय गाइस गाइस, आज की क्लास डेडिकेटेड है सीडीएस एस्पिरेंट्स के लिए, सीडीएस 2023 एस्पिरेंट्स वालों के लिए। खास तौर पर मैं आज वो पीवाईक्यूज डिस्कस करूंगा जिन पीवाईक्यूज ने एक पल के लिए सीडीएस की जीएस को आसान बना दिया था। जी हाँ, तो सीडीएस क्या करता है ना, कई बार यूपीएससी सीडीएस के क्वेश्चंस देने में बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न निकाल के आता है। सीडीएस वन जब कराता है इजी दे देता है, और सीडीएस टू कराता है तो डिफिकल्ट दे देता है, या कभी कभी सीडीएस वन डिफिकल्ट देता है तो कभी सीडीएस टू डिफिकल्ट दे देता है, कभी कभी तीन चार बार फैक्चुअल 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 दे दिए, कभी कभी तीन चार बार कॉन्सेप्चुअल 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 दे दिए। तो हम लोग बोलते तो हैं कि भाई वी कैन इजीली क्रैक दिस एग्जाम, बट देन ऑफ कोर्स हमको काफी हद तक सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करके ही, सारे पैटर्न्स को एनालिसिस करके ही एक व्यू पॉइंट बनाना है। 2019 CDS 2 था ये। सर आपको हर रोज देखकर बहुत अच्छा लगता है, आपकी इस क्लास का ही इंतजार रहता है। थैंक यू पवन, बस कोशिश है निरंतर रहने की ताकि इस टाइम पर कुछ ना कुछ क्लासेस, कोई ना कोई प्रोडक्टिव चीज लेकर के आऊं जिससे कि कोई स्टूडेंट का व्यू पॉइंट बने, है ना। सर अब की बार क्या होगा, जीएस सीडीएस हार्ड या मॉडरेट? देखो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, मैं सही बता रहा हूँ, ये यूपीएससी को आज तक कोई नहीं प्रिडिक्ट कर पाया। हाँ किसी 10 लोग बैठे थे मान लो, और आपने 10 चैनल्स में पूछा कि यार सर क्या होगा, किसी ने हार्ड बोला, हार्ड आ गया तो उस आप सोचोगे वो सही था, नहीं। तो पेपर कैसे भी आ सकता है, आपको हार्डेस्ट लेवल पर, टफेस्ट लेवल पर, हाईएस्ट लेवल पर अपनी तैयारी करके जानी है, क्योंकि इजी आएगा वेल एंड गुड, वो तो वैसे ही आप कर लोगे, मॉडरेट आएगा वेल एंड गुड, वो भी हो जाएगा, लेकिन अगर हार्ड आया तो मॉडरेट लेवल की प्रिपरेशन या इजी लेवल की प्रिपरेशन से डिफिकल्टी रहेगी। इसलिए आप अपने टफेस्ट लेवल, हार्डेस्ट लेवल, बेस्ट लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के तैयारी करो, क्योंकि बहुत लिमिटेड एज का खेल है ये, 21 से 24 बहुत लिमिटेड एज का खेल है, तो इसलिए ध्यान देना। चलिए पहला क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन देख करके ऐसे लगा था कि यार सीडीएस आसान आने वाला है, देखते रहना आप लोग, ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत आसान से ही लगेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। अब ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन था बेसिकली ज्योग्राफी का, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था कि जब हम आइलैंड्स पढ़ते हैं या कोरल्स के बारे में पढ़ते हैं इंडिया में, तो जो लक्षद्वीप वाला आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड, ये तो प्योरली कोरल है, ये तो प्योरली कोरल है, ठीक है, तो ये तो नॉट फाउंड में नहीं आएगा। फिर थोड़ा बहुत
गल्फ ऑफ मन्नार की तरफ भी डेवलप्ड है, तो ये भी सही है। गल्फ ऑफ कच्छ ये वाला एरिया है, गल्फ ऑफ कच्छ ये वाला एरिया है, तो ये थोड़ा सा इक्वेटर से थोड़ा ऊपर हो जा रहा है। और गल्फ ऑफ कैम्बे यानी कि खंबात, गल्फ ऑफ खंबात यहां पर है, कैम्बे ये वाला एरिया, ये कैम्बे है और ये वाला एरिया गल्फ ऑफ कच्छ। देखिए थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हर जगह है, ठीक है, अंडमान निकोबार में भी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट है, बट ये तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये तो प्योरली कोरल आइलैंड है। गल्फ ऑफ मन्नार नहीं होगा क्योंकि लक्षद्वीप के पैरेलल लैटिट्यूड पर है ऑलमोस्ट। अब दिक्कत हुई गल्फ ऑफ कच और गल्फ ऑफ कैम्बे में, तो इनमें से जो थोड़ा इक्वेटर के नीचे होगा यहां पर पॉसिबिलिटीज बनेंगी, यहां पर छोटे मोटे आइलैंड्स हैं जहां पर डेवलपमेंट हो रही है। गल्फ ऑफ कच में क्योंकि यहां पर गल्फ ऑफ कच की जो डेप्थ है ये थोड़ी सी ज्यादा है, तभी आपने देखा होगा कि हमारा जो सबसे ऊंचे टाइड्स इसी जगह पर आते हैं, तो थोड़ी डेप्थ भी बढ़ जाती है यहाँ पर और थोड़ा टेम्परेचर उतना बन नहीं पाता है। बट अभी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो जरूर रही है, बट बेस्ट पॉसिबल आंसर में यही लगेगा। तो ये क्वेश्चन इजी ही था, इतना मुश्किल नहीं था, ऐसे सवाल अगर देते हैं तो मजा ही आ जाएगा। मैच द फॉलोइंग दिया था, CDS ने लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन द कोड गिवन बिलो। एक तरफ उसने पीक्स दी थी और दूसरी तरफ नेम ऑफ द हिल, या हिल एक तरफ पहाड़ी और उस पहाड़ी में कौन सी पीक लोकेटेड है। कहीं ना कहीं पर ये पर्टिकुलर पहाड़ियों की हाईएस्ट पीक्स हैं, ये इन पहाड़ियों की हाईएस्ट पीक्स हैं। तो पहला है अन्नाई मोड़ी, इसके पैरेलल में नीलगिरी, दूसरा देखा है दूधा बेटा इधर सतपुड़ा, तीसरा देखा है धूपगढ़ इधर अरावली, और चौथा देखा है गुरु शिखर इधर अन्नामलाई। आपको ऑप्शन से ढूंढ करके निकालना था। अब देखो ये जितने भी पीक्स हैं, आप इन पीक्स को अगर थोड़ा एनालाइज करोगे तो ऑलमोस्ट सब साउथ के हैं, ठीक है। एक पीक है अरावली, दूसरा पूछ लिया यहां पर सतपुड़ा, ठीक है, तीसरा यहां पर पूछा गया है नीलगिरी, और चौथा अन्नामलाई। अन्नामलाई नीलगिरी के नीचे है, ठीक है, अन्नामलाई नीलगिरी के नीचे है। तो अन्नाई मुड़ी जो है, अन्नाई मुड़ी ये अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक है, साउथ इंडिया की भी हाईएस्ट पीक है। तो ए का फोर हो गया, ठीक है, ए का फोर, यहां पर दो ऑप्शन मिल रहे हैं। डोडा बेटा ये नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है, तो बी का वन हो गया। धूपगढ़ ये सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है, सी का टू हो गया, और गुरु शिखर ये अरावली की हाईएस्ट पीक है, तो इसका आंसर बनेगा सी, ठीक है ना। यानी कि आपको अगर गुरु शिखर मार्क करना है तो ये पीक आप अरावली में मार्क करोगे, अगर आपको धूपगढ़ मार्क करना है तो ये आप सतपुड़ा में मार्क करोगे, अगर आपको दोदा बेटा मार्क करना है तो ये नीलगिरी में मार्क करोगे, और अगर आपको अन्नाई मुड़ी मार्क करना है तो ये अन्नामलाई में आपको मार्क करना होगा, तो एलिमिनेट भी हो सकता है। तो अच्छा सवाल दिया था, बट फिर देखो इजी लगा था, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। यहां से आगे, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ न्यूमरस इन्वेजन्स मोहम्मद गोरी बिफोर हिज कॉन्क्वेस्ट इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज डिफीटेड बाय, देखो मोहम्मद गोरी जो है ना इसने 1175 में ये गद्दी पर बैठा था, और उसके बाद 1178 में एक युद्ध हुआ था सोलंकी डायनेस्टी वालों से जिसको सेकेंड बैटल ऑफ अनहिलवाड़ कहते हैं, सॉरी सेकेंड बैटल ऑफ ये तराई। तो यहां पर इसने किसको हराया था, चालुक्य किंग भीम टू ऑफ गुजरात, ये वहां पर वैसे अनहिलवाड़ होना चाहिए था, यहाँ पर ये अनहिलवाड़ था, तराई नहीं था 78 में। तो चालुक्य किंग ऑफ भीम टू
या फिर पृथ्वीराज चौहान थ्री ऑफ अजमेर, या फिर बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, एक्चुअल में अनहिलवाड़ में तो ये जीता था, ठीक है। सो बिफोर हिज कॉन्क्वेस्ट इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराई ही वॉज डिफीटेड बाय, तराई के बैटल से पहले ये किससे हारा था? देखो पृथ्वीराज चौहान थ्री से तो ये ही वन सेकेंड बैटल में तो जीता था ये, तो उससे पहले ये 1178 में हारा था, ठीक है ना, ये हारा था, बैटल ऑफ अनहिलवाड़ हुआ था, ठीक है, तो भीम टू के साथ ही हारा था, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है उसके साथ ये एक वॉर और हारा था, और वो कौन सा वॉर हारा था? फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, पहला बैटल ऑफ जो तराई था वो हारा था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पर पूछा गया था, क्योंकि हाँ भीम टू की तरफ से उसकी मां नायिका देवी लड़ी थी, बिल्कुल सही है। देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या कर रखा ना, थोड़ा सा घुमा रखा है क्वेश्चन, आप इसको देखो, इसने पूछा है, इसने पूछा क्या है, देखो इसने पूछा है कि बिफोर द सेकेंड बैटल ऑफ तराई, ठीक है ना, अब सेकेंड बैटल ऑफ तराई हुआ था 1192 में, ठीक है, 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराई हुआ था, ठीक है, ये पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस गोरी हुआ था और गोरी इसमें जीता था, तो ये पूछ रहा है इससे पहले ये क्या क्या हारा था। तो 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, फर्स्ट बैटल ऑफ तराई इन्हीं दो के बीच में हुआ था, लेकिन P3 जीता था और गोरी हारा था, और उससे पहले इसने 1178 में भी ट्राई किया था गुजरात में, तो वहां पर इसने उसको बोला गया था सेकेंड बैटल ऑफ अनहिलवाड़, अनहिलवाड़ इनकी राजधानी थी, तो सेकेंड बैटल ऑफ अनहिलवाड़ ये गोरी वर्सेस भीम टू के बीच में हुआ था, भीम टू बच्चा था, उसकी जगह उसकी माता लड़ रही थी, तो ये यहां हारा था, तो ये हारा यानी कि फर्स्ट बैटल पृथ्वीराज चौहान ऑफ अजमेर से हारा और एक इससे भी हारा, तो दोनों से हारा, इसलिए इसका आंसर सी बन रहा है। हाँ मैं वही बता रहा हूं, ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह पूछना क्या चाह रहा, तो ये पूछ रहा है कि पृथ्वीराज चौहान से जो उसने सेकेंड बैटल जीता था तराई का, उससे पहले मोहम्मद गोरी किस किस से डिफीट हुआ था, हारा था, तो एक बार तो पृथ्वीराज से ही हारा था फर्स्ट बैटल ऑफ तराई में, और एक बार यहां पर हारा था भीम टू से। तो ये है ये क्वेश्चन, ट्रिकी, बहुत जबरदस्त, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कॉटन यानी कि कपास, ठीक है, तो कपास की खेती के लिए इनमें से कौन सा रिक्वायरमेंट नहीं है, कपास की खेती के लिए कॉटन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? तो टेम्परेचर रीचिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर इन समर, मॉडरेट टू लाइट रेनफॉल, मीडियम लोमी सॉयल विद गुड ड्रेनेज, ग्रोइंग पीरियड ऑफ एटलीस्ट 100 फ्रॉस्ट फ्री डेज। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप कॉटन के बारे में पढ़ते हो तो वहां पर मीडियम लोमी सॉयल, लोमी गलत है, लोमी थोड़ा सा मोटा होता है, इस कॉटन के लिए क्ले सॉयल चाहिए होता है, एकदम पतला चिपचिपा, तो क्ले सॉयल चाहिए, तो ये गलत हो गया। चलो अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो गुड ड्रेनेज, नहीं सर, इस सॉयल में होते हैं क्रैक्स, बड़े बड़े क्रैक्स होते हैं कॉटन सॉयल में, और उन क्रैक्स, वो जो क्रैक्स होते हैं वो बैड ड्रेनेज माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि अगर इसमें बारिश का पानी आता भी है थोड़ा बहुत, तो एक से लेकर के दो मंथ तक वो उन क्रैक्स के अंदर जमा रहता है, जिससे कि वो कॉटन क्रॉप को सपोर्ट करता है। तो यहां पर इसका आंसर आ रहा था, अच्छे लेवल पर क्वेश्चन पूछा गया था ये भी। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत आसान था क्योंकि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 लगभग हर किसी को बेसिक तो याद रहता ही रहता है।
प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर आर्टिकल 23, तो ये तो है। प्रोहिबिशन ऑफ इंप्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज 21 पता नहीं क्या लिखा है, आर्टिकल 24 में ये है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये आर्टिकल 43A के अंदर है। प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेस ऑफ और कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, तो ये है आर्टिकल 19(1) के जी के अंदर। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट हो गया है, ये फंडामेंटल राइट है। 24, 23 भी फंडामेंटल राइट है, लेकिन 43A फंडामेंटल राइट नहीं है। ये डीपीएसपी के अंदर आता है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका आंसर होगा कि कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो आंसर बनेगा इसका सी, क्योंकि ये नहीं है, ये 43A आर्टिकल में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर पिलर स्टेट फ्री फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेसी ऑफ इंडिया वॉज सजेस्टेड बाय लाला लाजपत राय, राम मनोहर लोहिया, राजा राम मोहन रॉय या सुभाष चंद्र बोस। फ्रीडम फाइटर्स हैं सारे के सारे, इनमें से जो सबसे यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर है वो राम मनोहर लोहिया जी हैं, ठीक है ना, और सबसे ओल्डेस्ट इनमें से राजा राम मोहन रॉय हैं। बाकी राम मनोहर लोहिया और सुभाष चंद्र बोस ऑलमोस्ट सेम लेवल पर थे। तो किसने बोला था फोर पिलर स्टेट? फोर पिलर स्टेट यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट देखो, थ्री पिलर स्टेट मतलब एक तो सेंटर हो गया, एक स्टेट हो गया, है ना, और इसी तरीके से लोकल सेल बॉडी। तो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये थ्योरी प्रेजेंट करी थी राम मनोहर लोहिया ने। फोर पिलर स्टेट का मतलब क्या था? चार चीजें जो इन्होंने बताई थी वो उसके अंदर, प्लानिंग, जेंडर डिफरेंस, ठीक है, सॉल्यूशन टू फूड प्रॉब्लम्स, और इनका एक आंदोलन भी था घेरा डालो आंदोलन, उन्होंने जो एक आंदोलन चलाया था घेरा डालो आंदोलन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज नॉट करेक्ट, 1919 का एक्ट। तो अलग अलग चार्टर एक्ट से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। है ना, तो इट एक्सटेंडेड द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इट मेड द सेंटर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चिंटफोर्ड रिफॉर्म्स, एंड इट पेव्ड द वे ऑफ फेडरलिज्म बाय क्लियरली सेपरेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेंटर। डिफिकल्ट क्वेश्चन था, देखो ऐसा लग रहा है कि आसान है, ठीक है, नॉट करेक्ट, तो ये तो सही है, सिख क्रिश्चियंस वगैरह इन सबको भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया था 1919 में। इट मेड द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, हो सकता है ये सही नहीं हो, क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव अलग थी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अलग थी, और यहां बोल रहा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव को, एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल होना है। इट इज नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये भी सही है, ये भी सही है, चलो इसको डाउटफुल में डाल देते हैं। इट पेव्ड द वे फॉर फेडरलिज्म बाय क्लियरली सेपरेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट, हाँ, क्योंकि यहां पर सेंट्रल बजट स्टेट बजट की बात की गई थी, तो इसका आंसर आएगा, ठीक है, इसका आंसर आएगा, इट पेव्ड द वे फॉर फेडरलिज्म बाय क्लियरली सेपरेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेंटर। देखो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया था 1935 के एक्ट में, ठीक है, जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये 1935 के एक्ट में आया था। इनफैक्ट 1919 में प्रोविंसेस को थोड़ा सा कठोर बना दिया गया था और प्रोविंसेस में डायर्की लाई गई थे, द्वैत शासन लाया गया था, तो इसका आंसर डी बनेगा, बिल्कुल सही। Which one of the following rivers take a U-turn at Namcha Barua and enters India? बहुत आसान है, तो आप जैसे ये मान लीजिए इंडिया का मैप बनाते हो नॉर्थ ईस्ट वगैरह का, तो यहां पर गंगा पूछा है, तीस्ता पूछा है, बराक पूछा है,
ब्रह्मपुत्र पूछा है। तो भैया गंगा नदी तो ऐसे जाती है, इसका कोई यूटर्न नहीं है, ये किसी से यूटर्न नहीं लेती है। नामचा बरवा जो है, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में एक पीक है, ठीक है, यहां पर कहीं पर अरुणाचल प्रदेश में पीक है। तिब्बत से जब ब्रह्मपुत्र आती है तो यहां से वो यूटर्न लेकर के ऐसे जाती है, ठीक है। और ये नदी है ब्रह्मपुत्र, इसमें जो उसकी एक ट्रिब्यूटरी दिखा रखी है तिस्ता, सिक्किम से निकलती है, ये नामचा बरवा के वहां से नहीं, ये तो कंचनजंगा से निकलती है। और एक रिवर पूछी है बराक रिवर, तो बराक रिवर मणिपुर से निकलती है, जो कुशियारा और सुरमई बनकर के आगे मेघना बनकर के मिल जाती है। तो ये भी नामचा बरवा नहीं आती, तिस्ता भी नहीं आती, गंगा का कोई लेना देना नहीं है, तो बच गया यहाँ पर ब्रह्मपुत्र। ये काफी आसान सा क्वेश्चन था, दिस वॉज क्वाइट इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया शैल नॉट एक्सीड, इतने से ज्यादा नहीं होंगे, कितने से ज्यादा नहीं होंगे बताओ भाई। टोटल जो मंत्री होते हैं आपके यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर वो कितने होने चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि जितने के जितने एमपी जा रहे हैं सभी को मिनिस्टर बना लो फिर तो बात ही क्या है। तो सर यहां पर एक लिमिट तय की गई है, और वो लिमिट तय की गई है नॉट मोर देन 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। यहां पर ध्यान देना लोकसभा, कई बार यहां पर पार्लियामेंट शब्द भी दे देता है, लेकिन पार्लियामेंट नहीं आएगा क्योंकि उसमें लोकसभा भी होता है प्लस राज्यसभा के भी मेंबर्स आ जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल डिमांड कर्व इज पॉजिटिव, इज नेगेटिव, इज जीरो और इज इंफिनिटी। नॉर्मल डिमांड कर्व, नॉर्मल डिमांड कर्व की बात बोली गई है। सर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सीडीएस में माइक्रो इकोनॉमिक्स आती ही नहीं है, मैक्रो पढ़ लो, मैक्रो पढ़ लो, भाई साहब कुछ भी पूछ लेता है। तो डिमांड का कर्व अगर आप लगाते हो तो डिमांड का कर्व कैसे जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे जाता है। सप्लाई का कर्व कैसे जाता है, ऐसे जाता है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। तो सप्लाई का कर्व ऐसे जाता है, डिमांड का कर्व ऐसे जाता है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा नेगेटिव। देखिए मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये जीरो है, ठीक है, यहां पर होता है प्राइस और यहां पर होता है क्वांटिटी, ठीक है। जैसे 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 आपका प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये x, ये जो एक्सिस नीचे की तरफ आता है, ध्यान देना, जो x, जो ग्राफ ऐसे आता है इसको कहते हैं नेगेटिव स्लोप, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव स्लोप। और जो ग्राफ ऐसे जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है, जो ऊपर की तरफ जाता है इसको कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। बट ऐसे बहुत सारे टाइप के ग्राफ होते हैं, नेगेटिव टू एक्स एक्सिस, नेगेटिव टू वाई एक्सिस, पॉजिटिव टू एक्स एक्सिस, पॉजिटिव टू वाई एक्सिस, वगैरह वगैरह। तो दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। नहीं, डिमांड का कर्व नीचे आता है। एक बात बताओ, प्राइस है 100 रुपए, डिमांड होगी 0। मान लो कोई पेन खरीदना है आपने, 100 रुपए का पेन कौन खरीदेगा। आप पेन कर दो 50 रुपए, डिमांड हो जाएगी 2 पेन की। आप पेन कर दो 25 रुपए, डिमांड हो जाएगी 5 पेन की। आप पेन कर दो 10 रुपए का, डिमांड हो जाएगी 10 पेन की। समझ रहे मेरी बात। तो आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे प्राइस कम कर रहे हो, या ये मैं बोलूं जैसे जैसे प्राइस बढ़ा रहे हो क्वांटिटी क्या हो रही है, क्वांटिटी कम हो रही है। प्राइस बढ़ने में क्वांटिटी कम होती है। डिमांड का बेसिक लॉ क्या कहता है, डिमांड का बेसिक लॉ क्या कहता है कि आप प्राइस इंक्रीज करोगे तो डिमांड कम होगी और प्राइस डिक्रीज करोगे तो डिमांड बढ़ जाती है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है ना, बाकी तो इफ्स एंड बट्स लगेंगे। विच लॉ प्रिस्क्राइब्स दैट ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाला जो चैप्टर है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज वाला जो चैप्टर है, ठीक है, आर्टिकल 343 से स्टार्ट होता है। तो ये बताता है यूनियन की क्या लैंग्वेज होगी, कोर्ट की क्या लैंग्वेज होगी, स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है कि
कि सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी होगी, 145 में नहीं दिया गया है, आर्टिकल 348, ठीक है, इसका रूल 1966 का नहीं है और पार्लियामेंट से भी एक्ट नहीं पास हो रखा है, ये एक्सप्लिसिटली आर्टिकल 348 में लिखा गया है कि जो हमारी कोर्ट्स, वहां पर खाली सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो भी कोर्ट्स हैं उनकी जो प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज है ये अंग्रेजी ही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, ईल कैनाल कनेक्ट्स विच अमंग द फॉलोइंग, बाल्टिक सी और नॉर्थ सी, बाल्टिक सी एंड नॉर्वेजियन सी, बाल्टिक सी एंड व्हाइट सी, व्हाइट सी एंड नॉर्थ सी। सर, ईल कैनाल जर्मनी, बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी, ठीक है, तो ये है जर्मनी, ये जर्मनी का मैप आप देख रहे हैं, ऐसे जा रहा है ये, इस तरफ है नॉर्थ सी, नॉर्थ सी के बगल में यहां पर है इंग्लैंड, ठीक है, उससे आइडिया आ जाएगा इंग्लैंड। ये रिवर एल्बे है, इधर रिवर एल्बे जा रही है, और ये है आपका बाल्टिक सी, ठीक है, तो नॉर्थ सी का पानी यहां से ये कैनाल बना हुआ है जो बाल्टिक सी को कनेक्ट कर रहा है, ये है कील कैनाल। आप ये भी है कि ये जर्मनी और डेनमार्क के बीच में है, ठीक है ना, मेनली मतलब एग्जैक्टली बीच में नहीं है बट हाँ अच्छे खासे हैं। विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स, ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है भाई? ये तो राइट टू इक्वालिटी में इम्यूनिटी होगी ना, अगर इसका मैं हिंट दूं तो जो राइट टू इक्वालिटी में आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 14, जब आप पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि कुछ लोगों को राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 के तहत जो मिला गया है उसमें इम्यूनिटी है। आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट है, आर्टिकल प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर, आर्टिकल 361 ए में वाइस प्रेसिडेंट को है, ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा आर्टिकल 361। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इंप्लीमेंटेशन, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट सबसे पहला वाला, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, कॉर्नवालिस कोड। देखो सबसे पहले तो कॉर्नवालिस कोड 1793 आएगा, फोर वाला, तो देखो ये इजीली एलिमिनेट हो गया, क्रोनोलॉजी में पूछा है, सिंपल सी बात है, क्रोनोलॉजी में पूछा है। उसके बाद वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट 18 वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन, तो टू मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, नहीं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म तो 1909 में आएगा ना, और उससे पहले फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट, तो ये 1881 में आएगा, ठीक है, तो वन और थ्री, तो वैसे एक ही से एलिमिनेट हो रहा है, कॉर्नवालिस कोड से इतना तो जाने की जरूरत है ही नहीं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं ऐसे डिफिकल्ट वाले। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट ये किसने पास किया था, चलो अगर आपसे माना बात इसके गवर्नर जनरल्स पूछे जाएंगे तो आप यहीं पर रिवाइज कर लो, लॉर्ड रिपन ने पास किया था। वर्नैक्युलर प्रेस किसने पास किया था, लॉर्ड लिटन ने, लेकिन अगर इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वर्नैक्युलर प्रेस किसने रिपील किया था तो 1881 में लॉर्ड रिपील किया था लॉर्ड रिपन ने। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1919, तो वो तो मिंटो टू के टाइम पर ही आया था, और कॉर्नवालिस कोड कॉर्नवालिस ने निकाला था। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन वॉज फाउंडेड इन, सार्क का मुख्यालय, नहीं इसने पूछा है कहां पर फाउंड हुआ था, चलो लगाओ सार्क की स्थापना कहां पर हुई थी। देखिए ये क्वेश्चंस सीडीएस के अंदर पूछे गए हैं, तो ढाका में इसका सम्मेलन हुआ था 1985 के अंदर, तब इसके अंदर टोटल 8 मेंबर्स हैं, तो ढाका 1985 यहां पर सार्क की स्थापना हुई थी, 8 लोग इसके अंदर हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ एनसीसी? एनसीसी का मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड कमांड, यूनिटी एंड सर्विस, लगाओ। वेरी गुड, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। भैया स्टूडेंट्स देखो, एनसीसी में कौन जाता है? स्टूडेंट्स जाते हैं, तो हमको स्टूडेंट्स को क्या सिखाना है? डिसिप्लिन सिखाना है। और ऊपर से ये जो भी लोग हैं ये कहां पर जाते हैं? फौज में। फौजियों की सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है सर? सर बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो डिसिप्लिन तो याद रखना ही है, यूनिटी सब में है वर्ड। अगला क्वेश्चन, द वैदिक रिलीजन अलोंग इट्स लेटर वैदिक डेवलपमेंट इज एक्चुअली नोन एज हिंदुइज्म, ब्राह्मणिज्म, भगवतिज्म या वैदिक धर्म? टिकी सा क्वेश्चन है कि लेटर वैदिक के समय जो वैदिक धर्म आया था उसको क्या बोला गया था? जाहिर सी बात है हिंदू शब्द तो बहुत बाद में प्रयोग हुआ है, ये तो बहुत लेटर यूज हुआ है, तो एक्चुअल में ब्राह्मण धर्म बोला करते थे वैदिक धर्म को, ठीक है, ब्राह्मण धर्म बोला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडरमल इज एसोसिएटेड विद विच रेवेन्यू सिस्टम? टोडरमल व्यवस्था याद करो, टोडरमल की व्यवस्था, कंकुट, गल्ला बख्शी, जब्ती या नसक। देखो ये सारी की सारी अकबर की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है, तो दहसाला सिस्टम, जिसको दहसाला सिस्टम भी कहते थे, ठीक है, दहसाला सिस्टम बोल दीजिए या टोडरमली व्यवस्था बोल दीजिए या जब्ती सिस्टम बोल दीजिए, ये टोडरमल ने निकाली थी, जहां पर लैंड रेवेन्यू 10 साल के लिए फिक्स्ड कर देते थे। तो ये भी क्वेश्चन ईजी ही था। रशियन रेवोल्यूशन डिराइव्ड देयर आइडियोलॉजी फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ? रशियन रेवोल्यूशन ये 1917 में हुआ था, तो लेनिन और स्टालिन से मिला या मार्क्स और लेनिन से मिला या मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल से या लेनिन और एंजल से? ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि देखो कम्युनिज्म, कम्युनिज्म जो है उसकी शुरुआत की थी मार्क्स और एंजल्स ने, ठीक है, लेकिन मार्क्स और एंजल्स इन्होंने जर्मनी से इसकी शुरुआत करी थी, बट वो वहां रशिया की रेवोल्यूशन की बात कर रहा है। तो इन दो में से एक डोमिनेंट थे मार्क्स और रशिया में लेनिन, स्टालिन तो लेनिन के बाद आए थे, तो लेनिन और स्टालिन नहीं आएगा, मार्क्स और लेनिन। मार्क्स की विचारधारा पर लेनिन चले और लेनिन ने खड़ा किया सबसे बड़ा उस समय का लेबर और पीजेंट मूवमेंट, आर्म्ड रिबेल करा जार निकोलस II के खिलाफ। हु इज द ऑथर ऑफ द 16th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट द ब्रज भक्ति विलास विच फोकसेस ऑन द ब्रज रीजन? ब्रज भाषा, ब्रज यूपी मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है, टोडरमल ने लिखा था, नारायण भट्ट ने लिखा था, चैतन्य महाप्रभु ने लिखा था या रूपा गोस्वामी ने लिखा था? तो चैतन्य महाप्रभु तो वैसे भी वेस्ट बंगाल के, टोडरमल जो है वो संस्कृत वस्कृत नहीं लिखते थे, वो तो एक रेवेन्यू फाइनेंस के एडवाइजर थे, तो ये दो तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते। अब नारायण भट्ट और रूपा गोस्वामी, तो इसमें से सही आंसर आएगा नारायण भट्ट। ये नारायण भट्ट थे जिन्होंने पहली बार ब्रज भक्ति विलास की कंपोजिशन करी थी। तो गाइज ये जो आज के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे हैं, टुडेज क्वेश्चंस वर फ्रॉम CDS 2019, ठीक है। आपको क्या लगता है, कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे और कुछ क्वेश्चन बहुत मॉडरेट थे? यहां इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को देख करके ऐसे लगता था कि यार बहुत अच्छा स्कोर आएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उतना बहुत ज्यादा स्कोर भी नहीं बन पा रहा था, बट यस डिफिकल्टी लेवल इसका थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम ही था। तो CDS को जब भी आप एनालिसिस करें गाइस, तो आप सोच समझ करके एनालिसिस करें, ठीक है। और इसके अलावा गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरा एंड्रॉइड ऐप है नेगी GS गुरु, इस पर हमारी हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप एक हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स इस पर आप ले सकते हो और उसके साथ साथ इस पर CAPF पेपर 2 की लाइव राइटिंग स्किल्स की क्लासेस भी हमारी शुरू हो रही है 1 फरवरी से। ये बैचेस अगर आपको ज्वाइन करने हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, नेगी GS गुरु।
और उसके थ्रू हमसे पहुंच सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। जय हिंद एंड गुड नाइट।